नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं जो दिल्ली से आई हुई है। एक सच्ची घटना। इसके पहले आप लोगों ने 70 टुकड़ों वाली फ्रिज की कहानी और सच्ची घटना सुनी थी, 35 टुकड़ों वाली फ्रिज की कहानी सुनी थी। आज फिर पुनः एक फ्रिज की कहानी आ गई है, जिसमें निक्की यादव नाम की एक आज इस भारत की बेटी फिर पुनः एक फ्रिज में कैद हो गई। साहिल नाम का एक लड़का था जो निक्की से लगभग 2018 से प्रेम प्रसंग के मामले सामने आए। विस्तार से आपको बताते हैं क्या घटना घटित हुई थी और कैसे ये सारी चीजें आज आपके सामने आ रही हैं, और किस तरह से निक्की यादव का साहिल ने बेरहमी से कत्ल कर उसे फ्रिज में बंद किया। 2018 की बात करते हैं। इन दोनों का, साहिल और निक्की का, स्कूलिंग पीरियड समाप्त होता है। उसके बाद ये दोनों जो है अपने तैयारी के लिए दिल्ली आ जाते हैं। हालांकि ये दोनों उस समय अननोन थे, किसी से किसी प्रकार का कोई जान पहचान नहीं था। लेकिन निक्की अपने पिता श्री से कहती हैं कि मैं नीट की तैयारी करूंगी और मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूँ। निक्की के पिता एक आर्मी मैन है, इन्होंने अपनी बेटी को इजाज़त दे दिया और इनकी बेटी दिल्ली के छतरपुर में रहने लगती है 2018 से। वहीं पर साहिल गहलोत के पिता एक ढाबा चलाते हैं, और साहिल गहलोत अपना स्कूलिंग करियर समाप्त कर चुका था। और तो साहिल जो था उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं SSC की तैयारी करना चाहता हूँ और सरकारी जॉब लेना चाहता हूँ और अपने जीवन को एक संतुलित भार के साथ बैलेंस में देना चाहता हूँ। अब निक्की यादव नीट की तैयारी करने लगती है और साहिल गहलोत अपना SSC की तैयारी करने लगता है। निक्की यादव डेली बस से सफ़र करती है और साहिल गहलोत भी उसी बस में सफ़र करने लगता है। दोनों की क्लासें लगभग एक ही जगह पर थीं और दोनों रह भी लगभग एक ही जगह थे। दिल्ली के छतरपुर में जहाँ पर निक्की रहती थी उसी के अगल बगल में उसका प्रेमी साहिल भी रहता था। 2018 में इन दोनों ने तैयारी के समय अपनी आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई इसके बारे में कोई इनको जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे इनका दोस्ती प्यार में बढ़ता गया तैसे तैसे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। उसके बाद से दौर आ गया 2019 का। 2019 में कोरोना का माहौल आ गया जिसमें इन दोनों के बीच की दूरियां काफ़ी बढ़ गई और ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रेम प्रसंग की बातें फोन पर ही चलती है। फिर पुनः ये दोनों 2020-21-22 में जब कोरोना का कहर ख़त्म होता है तब फिर मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। वहीं 2022 में ये दोनों इतने अपने क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे के लिविंग एंड रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इस तरह से यह 2022 से लिविंग रिलेशनशिप में लगभग रहने लगते हैं। हालांकि इसके पहले इन दोनों ने अपनी प्रिपरेशन के समय जो एग्ज़ाम दिए उससे क्वालिफाई नहीं हो पाए और लिहाजा ये दोनों काफ़ी जो है डिप्रेशन में भी थे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन प्यार का दौर इनका बंद नहीं होता था, एक दूसरे से मिलना और लिविंग रिलेशनशिप में रहना। दौर 2022 का था जिसमें इन दोनों ने काफ़ी एक ही छत के नीचे अपनी पूरी समय को बिता डाला। दौर आ गया 2023 का। दिन था 9 फरवरी 2023 जब निक्की की आखिरी सांसें आने वाली थी। साहिल गहलोत इसे निक्की को अपने प्यार के जाल में फंसाए रखा और वहीं अंदर ही एक और मायावी जाल बिछा लिया और उसने उसके परिवार के साथ मिलकर के एक अपनी शादी वाली जिंदगी जीने का निर्णय लिया। उसी दिन से उसने निक्की से दूरियां बढ़ाना शुरू कर दिया। निक्की कुछ समझ पाती कि उसके पहले ही उसने शादी करने की ठान लिया। साहिल जो है काफ़ी उसको हमेशा अब दूर रहने के लिए कहता था और उसको यूज़ भी करता था। निक्की वहीं पर और साहिल दोनों एक दूसरे को
यही सजेशन करते थे कि हम दोनों शादी कर लेंगे आगे चल के। निक्की भी और साहिल भी दोनों राजी भी थे, लेकिन साहिल के परिवार वालों ने शायद इसे एक्सेप्ट नहीं किया और निक्की को बिना बताए साहिल की शादी तय कर दी। 10 फरवरी को उसकी शादी थी। ये बात 9 फरवरी को निक्की को पता चलता है उसके फ्रेंड के माध्यम से। निक्की जाती है, साहिल को बुलाती है और बुलाने के बाद से दिल्ली के शहरों में लगभग को यह दोनों काफ़ी देर तक जो है घूमते हैं एक ही कार में बैठ करके। और निक्की बार बार साहिल से प्रेशर डालती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है और मेरे साथ शादी नहीं कर रहे हो। तमाम प्रकार की बातें आपस में दोनों की होती हैं, तालमेल नहीं खाता है। हालांकि जब निक्की अपने घर से निकली 9 तारीख को, तो उसने अपने सिस्टर से बताया कि मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ टूर पर और आऊँगी काफ़ी दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद। निक्की और उसके सिस्टर दोनों साथ में रहते थे और साहिल अकेला रहता था, जिससे निक्की हमेशा साहिल के घर चला जाया करती थी उसके रूम पर। काफ़ी देर तक ये दोनों आपस में झगड़ते हैं और सोचते हैं कि 9 तारीख को ही क्यों ना हम लोग पुणे चल चलें और वहाँ पर 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाएंगे और इधर साहिल की शादी भी करी जाएगी। लेकिन साहिल इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। उसे अपने ब्रेन में जो चार्जर का तार था, वायर था, उसको वो निकालता है और निक्की के गले को कस के उससे दबा देता है और दबा करके मार ढालता है। मारने के बाद उसे गाड़ी के सीट बेल्ट से इस तरह बांधता है मानो कि कोई आगे बैठा हुआ शख्स हो। सीट पर इस तरह से उसे जो है सेट कर देता है। उसके बाद से लगभग 2-4 घंटे तक दिल्ली के तमाम जगहों पर वह घूमता रहता है लाश को कहाँ पर डिस्पोज किया जाए। कोई उसे जगह नहीं मिलता है, तब वह अपने ढाबे पर लेकर जाता है जहाँ पर उसका ढाबा चलता था। आओ खाओ जाओ, इस तरह से उसका कुछ ढाबा है जहाँ पर उसके पिता श्री उस ढाबे को चलाते थे। साहिल निक्की को लेकर आता है। लेकर आने के बाद से उसे लगभग करीब रात 12-1 बज गए थे और वह जो है उसे देखता है कोई है नहीं, तो गाड़ी से निकालता है। निकालने के बाद से ढाबे के अंदर लेकर जाता है और वहाँ पर रखे एक फ्रिज में उसे रखने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रिज छोटा था जिसके कारण वह रखा नहीं पाती थी। उसमें उसने फाटक को तोड़ना शुरू कर दिया जिसके कारण कुछ भनक सी आवाज आई और वहीं साइड में किसी शख्स ने सारे क्रियाकलाप को देख लिया था और साहिल को कानो कान खबर नहीं थी इस बात की। साहिल ने निक्की की बॉडी को फ्रिज के अंदर रख देता है और रख करके नौ बंद होने के कारण उस पर रस्सी से चारों तरफ से फ्रिज को बांध लेता है। उसके बाद से चला जाता है और जाने के बाद से 10 तारीख को अपनी शादी रचाता है। शादी रचाने के बाद से अपना इंजॉयमेंट करने लगता है। इधर निक्की के परिवार काफ़ी दिनों से और काफ़ी देर से परेशान है। अभी 2 ही दिन हुए हैं, कोई उसकी खबर नहीं है। शादी हो गई, इधर साहिल इंजॉय कर रहा अपने जीवन का। निक्की के पिताश्री उसके सिस्टर के पास फोन करते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारी बड़ी दीदी कहाँ है? निक्की, पहले जो है मेरे पास डेली कॉल किया करती थी, अब इस समय फोन नहीं कर रही है। तब उसकी सिस्टर बोलती है पापा निक्की गई है अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग टूर पर और जल्दी आ जाएगी। तब फिर फोन लगाते हैं, लोग नहीं लगता है, लेकिन कुछ देर बाद फोन लगना शुरू हो जाता है और फोन और कोई नहीं बल्कि साहिल उठाता है। और निक्की के सिस्टर और निक्की के पिताश्री उससे बात करते हैं तो वह एक ही जवाब देता है कि निक्की मेरे पास आई तो थी, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर चली गई है और मोबाइल हमें देकर चली गई है। बातें कुछ अजीब सी लग रही थी। उसके बाद से इधर तलाशी जारी थी और उसके पिताश्री ने और उसके सिस्टर ने थाने में तहरीर भी दे दी। खोज छानबीन शुरू हो जाते हैं। वहीं पर निक्की के पिता साहिल के पिता से भी बात करते हैं कि मेरी बेटी आपके घर आया जाया करती थी, उसका कोई पता नहीं है। तो वो भी लोग कहते हैं हमें भी कुछ पता नहीं है। इधर पुलिस प्रशासन के लोग और SIT की टीम लग जाती है खोजबीन में। काफी देर बीत जाता है, कोई सुराग नहीं मिलता है।
कहते हैं हर कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ राज छुप जाते हैं। आप लोगों ने दृश्यम फिल्म देखा था, किस तरह से अजय देवगन लाश को छुपा देता है और कोई जान नहीं पाता है। लेकिन दृश्यम 2 जब बना तो उसमें इस बात को वेरीफाई किया गया कि गुनहगार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गुनाह करने वाला कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई चीजें ऐसा छोड़ जाता है। तो आप लोगों ने देखा था किस तरह से दृश्यम 2 में अजय के इस क्रियाकलाप को किसी व्यक्ति ने देख लिया था, जिसने गवाह के रूप में उन तमाम प्रकार के तहरीर को बता करके और उस चीज को खुला कर दिया। सेम वही पोजीशन यहाँ पर है। छतरपुर के पास ही ढाबा था, वहीं नजदीक में ही ढाबा था जहां पर उस व्यक्ति ने साहिल को निक्की की लाश को रखते हुए देख लिया था, और उसने अपने ही मोहल्ले में रहने वाले SIT के एक अफसर को इस बात की जानकारी देता है कि सर, आप लोग जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, हमें जहाँ तक संदेह है कि एक बार आप लोग इस ढाबे पर जाइए, जरूर से कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा। SIT के उस अफसर ने तमाम अधिकारियों से बात करते हैं, बात करने के बाद से पहुंच जाते हैं 14 फरवरी को साहिल के ढाबे पर। ढाबे पर जाते हैं, फ्रिज को बंधा हुआ रस्सी से देखकर मन में इन लोगों के संदेह उत्पन्न हो जाता है। टीम पहुंचती है, पहुंचने के बाद से रस्सी को काट कर फ्रिज को खोलती है और निक्की की लाश उसमें मिल जाती है। तब पूरी घटनाक्रम के बारे में साहिल से पूछताछ करती है SIT की टीम, और साहिल अपने गुनाहों को कबूल करता है और बताता है कि मैंने शादी करने से इनकार किया, जिसके कारण इसने जीत ठाना और मैंने इसे मोबाइल डाटा केबल से इसे इसका गला दबा करके मार दिया था। तो इस तरह से साहिल के इस गुनाहों का पर्दाफाश हुआ और साहिल इस समय फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी सरकार, यह देखिए आगे की ये सब क्रियाकलाप है। इस प्रकार के घटना घटित हो रहे हैं आजकल। तमाम घटनाओं के बारे में आपको बताना मेरा एक ही मकसद है कि आप हमेशा सतर्क रहें। इसमें आपके दिल को, दिमाग को दुखाना मेरा या आपको ठेस पहुंचाना मेरा कोई मकसद नहीं था। इस कहानी के माध्यम से हमें बस आपको जागरूक और सतर्क करना था। कहानी को सुनने के बाद से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, और ऐसे गुनाह को किस तरह रोका जा सकता है, आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आपके सजेशन को इंक्लूड करेंगे अपनी अगली पार्ट्स में। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, जय भारत।